रामेश्वर कैफे विस्फोट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए की टीम ने भगोड़े अब्दुल मतीन ताहा और मुसाफिर हुसैन साजिब को कोलकाता के पास उसके ठिकाने का पता लगाकर पकड़ लिया। आपको बता दें कि मुसाफिर हुसैन साजिब वो आरोपी है जिसने कैफे में आईडी लगाकर रखा था और अब्दुल मतीन ताहा विस्फोट की योजना बनाने वाला शख्स है। उसी ने इस ब्लास्ट को अंजाम देने और उसके बाद भागने के पीछे की योजना बनाई थी। आज सुबह ही एनआईए की टीम ने कोलकाता के पास फरार आरोपियों का पता लगाया। टीम को जानकारी मिली थी कि दोनों आरोपी पहचान छिपाकर रह रहे हैं। एनआईए की इस कार्रवाई को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल की राज्य पुलिस एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ किया गया। एनआईए ने पहले बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के संबंध में हमलावर के बारे में जानकारी देने वाले 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। एजेंसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सूचना देने वालों की पहचान भी गोपनीयता रखी जाएगी। एजेंसी ने हमलावर की एक तस्वीर भी जारी की जो बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड क्षेत्र में एक लोकप्रिय कैफे द रामेश्वरम कैफे में एक बैग रखते हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से ली गई थी। एनआईए की ओर से जारी तस्वीर में हमलावर टोपी, काली पैंट और काले जूते पहने हुए नजर आ रहा था। केंद्रीय एजेंसी को संदेह है कि इनका संबंध आईएसआई से भी हो सकता है। आपको बता दें कि इस घटना में 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन गया है।